आपको मैंने इंग्लिश का जो ग्रामर का लेसन था हमारा लेसन 4, वो मैंने हाफ पढ़ाया था लास्ट प्रीवियस वीडियो में। मैंने आपको आधा एक्सप्लेन किया था क्योंकि बेटा ये चैप्टर बहुत लेंथी है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में मैं आपको समझा रही हूँ। आधा अपना कंप्लीट हो चुका था जिसमें कि मैंने नाउन और उसके काइंड्स कौन कौन से काइंड एक्सप्लेन करे थे, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। आज मैं उसके आगे के काइंड्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो अपनी आधी एक्सरसाइज अपन पहले कर चुके, आज मैं आधी करके अपना ये लेसन कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। आज अपन समझते हैं आगे वाले नाउन के बारे में। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन द नाउन विच कैन बी काउंट, जिसको कि हम जिन नाउन्स को गिन सकते हैं। सपोज हमारी क्लास में कितने बच्चे थे हम गिन सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल कितने एप्पल्स हैं, एप्पल को भी हम काउंट कर सकते हैं। कितनी बुक्स है, कितनी पेंसिल्स है, ये सब चीज़ें हम गिन सकते हैं। विच कैन बी काउंट, जो कि काउंट की जा सकती हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, वो हम नहीं गिन सकते। सपोज मेरे हेयर है, हेयर अपन हेयर बाल गिन सकते हैं, नो नहीं गिन सकते। ऑयल है, ऑयल को काउंट कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म है, नो नहीं काउंट कर सकते। राइस, शुगर, सॉल्ट, ये सब मटेरियल थिंग है, इनको काउंट नहीं कर सकते। तो दोज नाउन विच कैन नॉट बी काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, जिनको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल में आ जाते हैं। फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है बेटा, फीलिंग और आइडियाज, ये सब चीज। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको हम जस्ट महसूस कर सकते हैं, नाइदर टच, नाइदर सी, नाइदर टेस्ट, कोई नाइदर हियर, इनको हम ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना इनको टेस्ट कर सकते हैं, इनके स्वाद का भी कोई पता नहीं होता। मतलब इसको जस्ट एक महसूस कर सकते हैं, फीलिंग होती है, जैसे कि हैप्पीनेस, खुशी, सोरो, दुख, ऑनेस्टी, ईमानदारी, लव, प्यार, ये सब एक भावनाएं हैं जिनको कि महसूस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं। सच्चाई, आप इनको ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना आप इनको टेस्ट कर सकते हैं। फिर आप एक कंक्रीट नाउन आर दोज नाउन विच आर मेड फ्रॉम मटेरियल, मटेरियल से बनी होती है। कंक्रीट, इनको हम सी भी, इनको हम सारी इसमें हम लोग टच भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कंक्रीट नाउन में वो थिंग्स आती हैं जो धातु से बनी होती है, जिसको हम छू भी सकते हैं। वो टेबल, पीपल को भी छू सकते हैं, टेबल को भी छू सकते हैं, पीपल को भी। फिर हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में वो नाउन्स आते हैं आपके सॉफ्ट यानी मटेरियल, धातु से बनी हुई चीज़ें, वुड, ग्लास, रबर, कोई ना कोई धातु से बनी हुई है, मटेरियल पदार्थ से बनी हुई है, इसमें वो नाउन मटेरियल नाउन में आता है। और इस मटेरियल नाउन को भी हम लोग सी देख सकते हैं, या सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये आगे के मैंने आज आपके बाकी के सारे टाइप्स को नाउन समझा दिए हैं। और ये एक्सरसाइज अपनी, अब मैं आगे की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बुक से समझा देती हूँ, ठीक है। चलिए बुक से समझ। देखिए अपन ने पूरी एक्सरसाइज जो हमारी थी यहाँ तक अपन कंप्लीट कर चुके थे, ई, और मैंने पीडीएफ भी सेंड कर दिया था। आज मैं आपको एफ वाली समझा देती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल काउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको यहाँ पे काउंटेबल नाउन भरना है बॉक्स में से देख के। फर्स्ट, डू नॉट फॉरगेट टू वाइप द टेबल आफ्टर यू हैव फिनिश्ड ईटिंग लंच। जब आपका लंच हो जाए तो टेबल को वाइप करना, टेबल को जो है साफ करना मत भूलिएगा। तो टेबल काउंटेबल नाउन में आती है, गिन सकते हैं। सेकेंड, टेक दिस बैग एंड पुट ऑल योर थिंग्स इन इट। ये बैग ले लो और इसमें और सारा अपना सामान भर लो। बैग भी काउंट हो सकते हैं। रिमेंबर टू रिफिल द बॉटल विद द ऑरेंज जूस। इस खाली बॉटल को ऑरेंज जूस से भर दो। याद रख, रिमेंबर माने याद रखना कि इस बॉटल को हमको भरना है ऑरेंज जूस से। बाली एट सम बनानास विद अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। बाली ने कुछ बनाना खा लिए नाश्ते में, एक ग्लास दूध के साथ कुछ बनाना भी खाए। तो ये काउंटेबल नाउन का ये एक्सरसाइज, ये बनाना भी काउंट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मटेरियल नाउन्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे अपन को मटेरियल नाउन भरना है। आपको हेल्प बॉक्स दिया है और आपको इसमें से मटेरियल नाउन के गिन के आपको मटेरियल नाउन भरने हैं। वी कैन मेक द मास्क विद आइदर डैश और पेपर। हम मास्क को कपड़े से भी बना सकते हैं और पेपर से भी बना सकते हैं, ठीक है। वी कैन मेक द मास्क विद आइदर क्लॉथ और पेपर। द शू मेकर मेक शूज फ्रॉम लेदर। जूते बनाने वाले लेदर चमड़े से जूते बनाते हैं। ये भी हमारा मटेरियल नाउन हो गया। आर टायर्स मेड ऑफ रबर। क्या टायर रबर से बनते हैं, क्वेश्चन है ये। कैंस आर यूजली मेड ऑफ टिन। कैन टिन से बनती है।
जैसे इसमें ऑयल भरते ना, कैन टिन। द फर्नीचर इज मेड ऑफ टिक एंड वुड। फर्नीचर टिक वुड से बनता है। लकड़ी का फर्नीचर किससे बनता है? टिक वुड से। तो ये हमारे यहाँ पे मटेरियल नाउन हमने हेल्प करके बॉक्स से फिल कर दिया। रीड द नेक्स्ट जे वाली, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, देन आइडेंटिफाई एंड राइट वन कंक्रीट नाउन एंड वन सब्जेक्ट नाउन। अब यहाँ पे एक कंक्रीट नाउन छांट के लिखना है सेंटेंस में से और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नीना हैज़ अ वीकनेस फॉर स्वीट। नीना को मिठाइयाँ बहुत, उसकी कमजोरी है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है मिठाइयाँ। तो कंक्रीट में स्वीट आएगा, एब्स्ट्रैक्ट में वीकनेस आएगा, क्योंकि फीलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट है ये। उसको ना देख सकते, ना सुन सकते, ना टच कर सकते, ना टेस्ट कर सकते। हिज ऑनेस्टी इज एडमायर्ड बाय पीपल। उसकी ईमानदारी की सब लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। पीपल आ गया कंक्रीट में, क्योंकि काउंट भी कर सकते हैं और टच भी, और ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट। डॉग्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी। डॉग्स जो होते हैं अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं। तो डॉग्स कंक्रीट है, लॉयल्टी एब्स्ट्रैक्ट है। बैन वॉज फुल ऑफ एंथुसियाज्म। बैन बहुत जोश से भरा भरा हुआ था। बैन कंक्रीट, एंथुसियाज्म एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ये फीलिंग है। हंगर हैड मेड द बैगर वीक। भूख के कारण भिखारी को, जो भीख मांगने वाला भिखारी था, बहुत कमजोर हो गया। बैगर ये कंक्रीट है और हंगर भूख ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये फीलिंग है। के वाली एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिलेक्टेबल सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द बोर्ड। बोर्ड में से छांट छांट के हमको यहाँ पे कलेक्टिव नाउन भरना है। अ पैक ऑफ वोल्स, भेड़ों के झुंड को पैक कहते हैं। क्लस्टर ऑफ स्टार, तारों के झुंड को क्लस्टर कहते हैं। ए शोल ऑफ फिश, मछलियों के समूह को शोल कहते हैं। ए स्वैम ऑफ बीज, मधुमक्खियों के झुंड को स्वैम कहते हैं। ए बंडल ऑफ स्टिक, लकड़ियों के बंडल, ए लकड़ियों के समूह को बंडल कहते हैं। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों के झुंड को बंच कहते हैं, अंगूरों के गुच्छे को। अ हर्ड ऑफ काउ, गायों के समूह को हर्ड कहते हैं। अ कॉयर ऑफ सिंगर, जो गाना गाते हैं उनके ग्रुप को कॉयर कहते हैं। ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन में आ गए। इनके ग्रुप को नाम को स्पेसिफिक इनका इंडिविजुअल नाम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारी अगेन कलेक्टिव नाउन भरना है। अ गैंग ऑफ थीव्स इज एक्टिव इन द सिटी। चोरों का गिरोह शहर में बहुत सक्रिय है इन दिनों। तो चोरों के गिरोह को गैंग कहते हैं। अ बंच ऑफ कीज वॉज लाइंग अंडर द पिलो, चाबी का गुच्छा तकिए के नीचे रखा था। बंच माने चाबी का गुच्छा, बंच ऑफ कीज। अ स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ सोल्जर वॉज सेंट टू द फ्रंट, बहुत जो सेना का सबसे ताकतवर सेना थी, सब सिपाहियों की आर्मी, उसको हमने फ्रंट में सामने भेज आगे लड़ने के लिए भेज दिया। तो सिपाहियों के जो ग्रुप होता है उसको आर्मी बोलते हैं। अ कपल ऑफ स्टेप्स लेड टू द मेन हॉल, दो सीढ़ियाँ, सीढ़ियों एक से दो ज़्यादा सीढ़ियाँ कपल होते हैं, मतलब सीढ़ियाँ एक से ज़्यादा हो तो उसको कपल बोलते हैं। लेड टू द मेन गेट, मेन हॉल तक जाने के लिए दो सीढ़ियाँ हैं। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स लाइंग इन द शोकेस, शोकेस में बहुत सुंदर माला, बहुत सुंदर मोतियों की माला रखी है। मोतियों के जो मोतियाँ इकट्ठे ग्रुप में रहती थी उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। We booked a suite of rooms in a 5-star hotel. हमने 5-star होटल में suite of rooms, हमने booked a rooms book कराए हैं। तो rooms के ग्रुप को suite। A fleet of ship is sailing across the sea. बहुत सारे जहाजों का समूह fleet कहलाता है। क्या कहलाता है? Fleet. Fleet of ships is sailing across the sea. समुद्र के उस पार जहाजों का बेड़ा तैर रहा है, मतलब चल रहा है। She presented a bouquet of flowers to her teacher. उसने अपनी मैम को, अपनी टीचर को फूलों का गुच्छा दिया, उसको बुके बोलते हैं इंग्लिश में। टी साइलेंट रहता है बुके, कुछ लोग बकेट बोलते हैं, जबकि गलत है, इसको बोलते हैं बुके, टी साइलेंट रहता है। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया कि किसी चीज़ के जब एक से ज़्यादा समूह में होती है तो उसको किस नाम से बुलाते हैं। आपको ये एक्सरसाइज बुक में, अभी वीडियो से करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पीडीएफ भेज रही हूँ अलग से, आप उस पीडीएफ से लिखिएगा बुक में। बेटा आपसे बुक में ही करना है, कॉपी में मत करना। बुक का काम बुक में करा करो, कॉपी का काम कॉपी में। जब मैं बोलती हूँ कॉपी में लिखना तभी लिखा करो। बार बार आप पूछते हो बुक में कर, कॉपी में लिख ले मैम, कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ बुक में ही करना है, बुक से ही लर्न करना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ मिलूंगी, तब तक अपना वर्क आप पीडीएफ से इस बुक में फिल कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।